आज हम लोग यहां पर एलजी साहब के निवास पर डीटीसी बस घोटाले की जांच को एसीबी को सौंपने की मांग को लेकर हम यहां पर आए और एलजी साहब से बात की और हमारी एक ही डिमांड है कि डीटीसी बस के खरीद में मेंटेनेंस में जो 3500 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है उसकी जांच एलजी साहब एसीबी से कराए और इस मांग को लेकर हम एलजी के निवास पर यहां धरने पर बैठे हुए हैं। हमारे साथ नेता विपक्ष श्री रामवीर सिंह भिदूड़ी जी हैं और हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के पूर्व अध्यक्ष रोहनी से विधायक श्री विजेंद्र गुप्ता जी हैं और हमारी एक ही मांग है कि एलजी साहब आप तुरंत इसको एसीबी से जांच कराएं क्योंकि इसमें 3500 करोड़ यानी 3500 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है। बसों की 1000 बसों की खरीद में 900 करोड़ रुपए की खरीद में 3500 करोड़ रुपए का उसका मेंटेनेंस का टेंडर हुआ है और वो टेंडर आपने अवार्ड भी किया है, वर्क ऑर्डर भी कर दिया है और ये बहुत बड़ा दिल्ली सरकार केजरीवाल सरकार का घोटाला है। इसकी जांच एसीबी से कराई जाए।